20 दिसंबर 2023 राशिफल दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन, कौन सा उपाय बना सकता है आपका दिन बेहतर। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आज की तिथि तृतीया, आज का नक्षत्र अश्लेषा, आज का कर्ण वृष्टि, आज का पक्ष कृष्ण पक्ष, आज का योग विषकंभ, आज का वार शनिवार। तो चलिए अब जानते हैं कैसे रहने वाला है आपका दिन। मेष, मेष राशि वाले आज तनाव की स्थिति में रहेंगे। बिजनेस के काम में लापरवाही ना बरतें, दोस्त को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। वृष, आज आप यात्रा करते समय सावधान रहें, नौकरी बदलने की योजना बन सकती है, सेहत आपकी सामान्य रहेगी, विवाद से दूर रहें। मिथुन, मिथुन राशि वाले गुस्से में आकर कोई भी निर्णय ना लें, वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ होगी, परिवार के साथ मौज मस्ती में दिन बीतेगा। कर्क, बिजनेस में चल रही रुकावटें दूर होंगी, बुजुर्गों की सलाह काम आएगी, बिगड़े हुए काम पूरे होंगे, सेहत का ध्यान रखें। सिंह, सिंह राशि वाले धैर्य से काम लें, किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, करियर को लेकर थोड़ा सावधान रहें, धार्मिक कार्यक्रमों में आप आगे बढ़कर हिस्सा लें। कन्या, आज आप किसी प्रकार का धन निवेश करने से बचें, वाहन के रखरखाव पर खर्च हो सकता है, पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तुला, मीडिया लाइन में काम करने वाले लोगों को बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है, वाणी और व्यवहार से आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे, हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों को घर खर्च में परेशानी आ सकती है, बिजनेस में कोई बड़ी डील होने से खुशी होगी, घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। धनु, आपको करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, गुस्से पर काबू रखें, अजनबियों से ज्यादा बातचीत न करें। मकर, मकर राशि वाले कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी, बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं, लव लाइफ बढ़िया रहेगी। कुंभ, आज आपको संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है, युवा जातकों को अपने मन को शांत रखकर किसी बात का निर्णय लेना होगा, पारिवारिक विवाद सुलझने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मीन, आज ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। और अब अंत में जान लेते हैं आज का महाउपाय। आज के दिन हनुमान मंदिर में एक नींबू में चार लौंग लगाकर भगवान हनुमान के चरणों में रखकर अपनी कामना कहें, इसके बाद इस नींबू को अपने पास रखकर शुभ काम करना शुरू कर दें। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ।